बीते कुछ सालों से चीन रूस के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि युद्ध की स्थिति में आखिर रूस किसके साथ होगा, भारत या फिर चीन। आपको बताएं तो अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रूस और भारत के बीच पक्की दोस्ती पर मुहर लगा दी है। रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया है। रूस ने चीन को बड़ा संदेश देते हुए दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोतों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। ये वही इलाका है जिस पर चीन अपना दावा हमेशा से करता रहा है। रूस के प्रशांत बेड़े फ्रिगेट ने इस इलाके में एक एंटी सबमरीन अभ्यास किया है। रूसी जंगी बेड़े में शामिल कई युद्धपोत हिंद प्रशांत इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। ये जंगी जहाज व्लादिवोस्तोक से 22 जनवरी को रवाना हुए थे। आपको बताएं तो दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का कई देशों के साथ विवाद है। दक्षिण चीन सागर के कई हिस्सों पर मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई अपने अलग अलग दावे करते हैं। अमेरिका ने भी वहां अपने पोत तैनात कर रखे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापार की स्वतंत्रता बनी रहे। ऐसे में रूस का दक्षिण चीन सागर में अभ्यास इस इलाके में चीन के दावे को बड़ा झटका है। रूस का भी वियतनाम के साथ दशकों पुराना रिश्ता है। यही नहीं, वियतनाम के दक्षिण चीन सागर इलाके में स्थित तट पर उसके एनर्जी असेट भी मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर का व्यापारिक महत्व भी काफी ज्यादा है क्योंकि इसके जरिए हर साल 3 खरब डॉलर का व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने एक फैसले में कह दिया था कि चीन के दक्षिण चीन सागर पर अधिकार के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि चीन फिर भी इस पर अपना दावा करता रहा है। हाल ही में चीन ने अपना एक नक्शा भी जारी किया था जिसमें दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से को चीनी सीमा के अंदर दिखाया गया था। हालांकि चीन के इस नक्शे को भारत समेत दुनिया के कई देशों ने खारिज कर दिया। दक्षिण चीन सागर में अपने शक्ति प्रदर्शन के बाद रूस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बेहद साफ शब्दों में भारत और रूस के खिलाफ बोलने वालों के सभी दावों को खारिज कर दिया है। रूस की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में रूस चीन में करीबी बढ़ने की बातें कही जा रही थी। जानकारी के लिए आपको बताएं तो बीते कई दशकों से रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध की वजह से रूस अब भारत को हथियारों की आपूर्ति समय पर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत भी अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के साथ अपने सैन्य साझेदारी को बढ़ा रहा है। लेकिन रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रुडेको ने अपने हालिया बयान में इन सभी दावों पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है। बीते कुछ सालों से चीन के साथ बढ़ी रूस की नजदीकियां भी कहीं न कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर थी, लेकिन रूस के डिप्टी विदेश मंत्री के बयान और साउथ चीन सागर में चीन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रूस ने ये बात साफ कर दी है कि सदियों पुराने रूस और भारत के बीच रिश्ते पहले की तरह ही अब भी मजबूत हैं।